सभी जानते हैं कि आज झंडा दिवस है। भवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस और पीएसी को पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था और उसी के प्रतीक स्वरूप आप अपने बाएं बाजू पे इस प्रतीक चिन्ह को लगाते हैं। सब इंस्पेक्टर एंड अबव के सभी अधिकारी अपने बाएं बाजू पर पुलिस कलर लगाते हैं। पुलिस कलर हमारे शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है और इस संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा एक संदेश प्रेषित किया गया है जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। प्रिय साथियों, ध्वज हमारे चरित्र का दर्पण एवं गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है जिसमें हमने देश सेवा एवं लोक सेवा में अपने कौशल, शौर्य एवं कर्तव्य परायणता से अप्रतिम योगदान दिया है जिसमें सर्वोच्च आत्म बलिदान भी सम्मिलित है। यह ध्वज हमारे लिए प्रेरणादायी है और इस ध्वज के फहरने भर से हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ध्वज की अवधारणा की जड़ें वेद और पुराणों में भी हैं। पुराणों में भी देवताओं के झंडों का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि अत्यंत प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की थी वही उनके ध्वज के प्रतीक यानी चिन्ह बन गए। ध्वज का महत्व हम महाभारत काल में भी पाते हैं। कुरुक्षेत्र में कौरव एवं पांडवों के मध्य हुए धर्मयुद्ध में अर्जुन के रथ पर भी एक ध्वज पताका थी। इतिहास गवाह है कि इसी ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय हुई। मध्यकालीन इतिहास में राजा और सम्राट की सेनाएं भी ध्वज का वहन करती थीं। अगर सेना ने दुश्मनों के हाथों अपना ध्वज खो दिया तो इसका तात्पर्य अपमान है और अगर दुश्मन के ध्वज पर कब्जा कर लेती थी तो इसका तात्पर्य सम्मान होता था। 19वीं शताब्दी में ध्वज का इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ है। विभिन्न युद्ध मुहिमों में जाने से पहले सैन्य टुकड़ियां अलग अलग ध्वजों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखती थीं तथा युद्ध भूमि पर निरंतर इस ध्वज को फहराए रखती थीं। कालांतर में विभिन्न मुहिमों में शामिल रहे टुकड़ियों की पहचान के लिए नेपोलियन द्वारा सीने पर बाएं हृदय के ऊपर उन्हीं ध्वजों के प्रतीक रिबन के रूप में धारण करने की परंपरा प्रारंभ की गई। उसी फ्रांसीसी परंपरा को हम सभी वर्दीधारी आज भी अंगीकृत कर उसका उपयोग करते हैं। 20वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है जिसे भारत की किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किया जा सकता है। इसी निशान के रूप में भी इसे निशान के रूप में भी जाना जाता है जो एक प्रतीक है और जिसे सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा अपनी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन में पहना जाएगा। जबकि रंग को युद्ध में ले जाने की प्रथा बंद हो गई लेकिन सशस्त्र एवं पुलिस बल में आज भी रंग प्राप्त करने, धारण करने और परेड करने की परंपरा जारी है। पुलिस ध्वज हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रतीक भी है। पुलिस विभाग की हरनिश जनसेवा, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, शौर्य एवं आत्म बलिदान की अनगिनत गाथाओं के बाद पुलिस ध्वज की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के वीर जवानों के शौर्य, कर्तव्यपरायणता एवं उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज प्रदान किया गया था। यह एक गौरवशाली परंपरा है जिसमें भारत की जितने भी प्रादेशिक सेनाएं हैं, प्रादेशिक फोर्स है, उनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को ही 1952 में आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें ध्वज प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारत का प्रथम राज्य पुलिस बल है जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप पुलिस कलर अर्थात पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था जो हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है।
23 नवंबर 1952 को पुलिस लाइंस लखनऊ के परेड ग्राउंड में वार्षिक पुलिस परेड के अवसर पर राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस एवं पीएसी ध्वज प्रदान किए गए। ध्वज का आकार 4 फीट × 3 फीट था। यह 2 रंगों का है, जिसमें ऊपर लाल रंग नीचे की ओर नीला रंग है। मध्य में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह बना है। इसके बाद मुंबई पुलिस को 1952, महाराष्ट्र पुलिस को 1961, जम्मू और कश्मीर पुलिस को 2003, तमिलनाडु पुलिस को 2009, त्रिपुरा पुलिस को 2012, हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं गुजरात पुलिस को 2019 में यह सम्मान प्राप्त हुआ। शेष अन्य प्रदेशों को अभी यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेश में पुलिस बल से पुलिस विभाग तक की यात्रा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गौरव गाथा है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ भारत के आधुनिक इतिहास का प्रामाणिक साक्ष्य है। वर्ष 1860 में श्री एच एम कोट की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन द्वारा पुलिस एक्ट 1861 के तहत सिविल कांस्टेबलरी के गठन की योजना बनी। तब से सर सीताराम पुलिस पुनर्गठन कमेटी और उसके बाद 1960 में उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन तक आते आते कानून की सीमा में पुलिस व्यवस्था को संचालित करने की रीत नीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन 1960-61 की रिपोर्ट में पुलिस मुख्यालय को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की संस्तुत की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विभिन्न इकाइयों का आविर्भाव हुआ, जिससे यह विभाग एक समग्र और संपूर्ण रूप से जनता की सेवा करने में तत्पर है। इसी श्रृंखला में समय समय पर पुलिस विभाग में CBCID, सतर्कता अधिष्ठान, EOW, तकनीकी सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, यातायात निदेशालय इत्यादि इकाइयाँ लखनऊ में स्थापित की गई तथा STF, ATS, 112 एवं 1090 विमेन पावर लाइन का गठन किया गया। हाल ही में साइबर थाने, EOW थाना, पावर कॉरपोरेशन थाना तथा विजिलेंस थानों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन एवं फॉरेंसिक इंडस्ट्री की स्थापना की कार्यवाही भी प्रचलित है। हाल में वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। वर्तमान बदलते परिदृश्य एवं उन्नत तकनीक की सुलभता के युग में अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए हमको नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश की पुलिस ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है तथा अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ पीड़ित आम जनता के व्यक्तियों के पास सहायता हेतु द्रुत गति से पहुंचकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम भी पूरी कुशलता के साथ किया है। इसके साथ ही हमारी पुलिस साइबर थाना, साइबर अपराध, आतंकवाद, सांप्रदायिक तनाव एवं आंतरिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का भी पूर्ण दक्षता से सामना कर रही है। झंडा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि जिस कर्तव्य परायणता, शौर्य, निष्ठा, लगन के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस को यह ध्वज प्राप्त हुआ है, उस ध्वज की गरिमा को हमें हमेशा बनाए रखना है और इसके लिए हमें कृत संकल्पित रहना है। पुलिस महानिदेशक महोदय ने आगे लिखा है कि मैं आप सभी को झंडा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। पूरे देश का जो पुलिस बल है वो उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता, कर्तव्य निष्ठा और उनके सत्य निष्ठा के आगे नतमस्तक रहता है। मैं आप सभी को इस अवसर पर पुनः एक बार बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि यह कलर जिन दक्षताओं, प्रतिभाओं, योग्यताओं आज के चलते आपको मिला है, आप उसी दक्षता, योग्यता, कार्यकुशलता, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा का आगे भी परिचय देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।